हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बजट 2020 का नया अपडेट DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बड़ा फैसला इसके ऊपर आया है। सरकार ने इसको जड़ से हटा दिया है। भैया इससे क्या इम्पैक्ट होगा जरा सोचिए। उन कंपनीज को जिनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, उनको बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन फायदे के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, नुकसान किसको हो रहा है, वो छोटा इन्वेस्टर जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो नहीं देना पड़ता था, अब उसको देना पड़ेगा। यानी कि कंपनीज को फायदा है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान इससे सीधे सीधे हो रहा है। जरा देखते हैं सरकार का ये अपडेट जो अभी आया है। देखिए, DDT इज गॉन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज गॉन, बिग बजट मूव फॉर स्टॉक मार्केट। इससे होगा क्या? DDT जिससे कि FDI का जो फ्लो था, रास्ता रुका हुआ था, क्योंकि कंपनीज को जो है बहुत पैसा ऐसे ही बांटना पड़ता था, अब ये गॉन हो चुका है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा उस इन्वेस्टर को, क्योंकि अब चेंज हो गया कंपनीज की बजाय ये पैसा जो है वो इंडिविजुअल जो डिविडेंड ले रहा है उसको देना पड़ेगा। तो मतलब समझ रहे हो आप, जो आपकी इनकम डिविडेंड की टैक्स फ्री हुआ करती थी, वो अब आपको डिविडेंड की जो इनकम टैक्स फ्री होती थी, अब वो इनकम में कंसिडर होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनीज एट प्रेजेंट आर सब्जेक्ट टू DDT एट 15% का DDT देना पड़ता था। एग्रीगेट अगर डिविडेंड डिक्लेयर जितना भी है तो उसका 15% का टैक्स उनको देना पड़ता था चाहे, और उसके बाद उसके साथ साथ एज इट ऑल्सो इंक्लूड 12% सरचार्ज लगता था, उस पर 3% का एजुकेशन सेस लगता था। तो टोटल रेट अगर देखा जाए तो ये 20% के पार चला जाता था। लेकिन अब ये टैक्स देना पड़ेगा इंडिविजुअल को, ऐसा अनाउंसमेंट है भाई निर्मला सीतारमन जी ने ये किया है। लेकिन इससे फायदा, कंपनीज को फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को इससे नुकसान होगा। तो जो लोग डिविडेंड के चक्कर में शेयर्स को खरीदते थे, उनको बड़ा झटका यहाँ पे मैं कहूँगा। द टैक्स ऑन डिविडेंड्स इज ट्रिपल लेवी, जो अगर अभी का टैक्स था वो आपने देखा कि किस तरीके से उनको सरचार्ज भी देना पड़ता है, डिविडेंड का टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन DDT इज सेकेंड लेवल, द रिसेंटली इंट्रोड्यूस सुपर रिच डिविडेंड टैक्स एट 10% ऑन एनीवन हु अर्न्स डिविडेंड इनकम ऑफ ₹10 लाख और अबव इज इन थर्ड। अब देखें इसको जरा समझे। अब डिविडेंड टैक्स जो है वो इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, लेकिन जो अब तक 10 लाख और उससे ऊपर तक का 10 लाख तक फ्री था और उससे ऊपर 10% टैक्स देना पड़ता था डिविडेंड के ऊपर, क्या अब ये कम होगा अमाउंट, वो देखने वाली बात है। फिलहाल DDT को रिमूव कर दिया गया है, कंपनीज को सीधे सीधे फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ बजट से। आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट, यहाँ पे निफ्टी 160 पॉइंट गिर चुका है, सेंसेक्स बिल्कुल दोनों धराशाही हो रहे हैं, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए LNT जैसा शेयर आज अपने बिल्कुल 1300 के लेवल पे आ चुका है। बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है भाई, बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं ये DDT का रिमूवल था, ऐसी और अपडेट आती जा रही है आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।